ଅଠର ଭାଷାଭାଷୀ ସାହିତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆସନ୍ତା ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିନିଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଂଘ ଚାଳକ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଭାଗବତ ଅଠର ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସହ ଭାରତୀୟ ବେଦ ଉପନିଷେଦ ଓ ଗାଁରେ ଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବାରୁ

ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ দ্বারা আগামী তিনদিন পর্যন্ত এক কাজক্রম হওয়া যাচ্ছে যেশা ব্যতীত এ ওড়শাশহ অঠরটি ভাষাভাষী যে সাত্য উপরে বিশেষজ্ঞ রাখি বা অনুভব নিজের বিশেষ রাখি বা সাহিত্য মাধ্যমে সমাজকু পরন করা চাহিচ্ছেন সে সমস্ত সম্মানিত করা যাব। এবং এই যে সম্মান কার্যক্রম অখি ভারতীয় যে সাত্য পরিষদ দ্বারা করা যাচ্ছি সিধাসলক আলোচনা করা যে আমার অল ইন্ডিয়া জেনে সেক্রেটারি অনেক পবনপুত্র বাদলজি सहित अच्छे सहित हुआ सर उड़ीसा को आपको स्वागत है उड़ीसा में आपका स्वागत है सर जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद कार्यक्रम कर रहा है तीन दिन के ओडिशा में कर रहा है क्या कार्यक्रम की महत्व है क्या उद्देश्य है ओडिशा में ये करने की कार्यक्रम कार्यक्रम का उद्देश्य और महत्व समझ जानने के पहले थोड़ा सा साहित्य परिषद को भी जानना जरूरी होगा अपने उड़िया के दर्शकों के लिए उड़िया के साहित्यिक समाज के लिए कि अक्टूबर उन्नीस में साहित्य परिषद की स्थापना हुई स्थापना के समय ही साहित्य परिषद का उद्देश्य था कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है जो भारत की सनातन परंपरा है भारत की ज्ञान परंपरा और सनातन परंपरा ने हमेशा भारत के भविष्य के निर्माण की चिंता की है उसी उद्देश्य को लेकर के साहित्य परिषद ने अपने स्थापना काल से ही इस काम को आरंभ किया और इसकी एक विशेषता और है साहित्य परिषद की कि परिषद संस्था नहीं संगठन है और भारत में जितनी भारतीय भाषाएं हैं उन सबके बीच में संगठन काम करता है अखिल भारतीय साहित्य परिषद और भाषा की एकात्मता आज कई बार कई जगह से विरोध की आवाज़ आ जाती है कि नहीं हमें तो इस भाषा से नहीं उस भाषा में काम करना है हमें इस भाषा का नहीं उस भाषा में बोलना है तो ये जो भारत में विभाजन की नींव कुछ लोगों ने डाली थी इस विभाजन की नींव को पाटने के लिए और उसमें एकात्मता लाने के लिए साहित्य परिषद ने बहुत बड़ा योगदान किया है जैसे हम लोग भारत के जिस हिस्से में भी काम करते हैं दक्षिण से लेकर के पश्चिम तक पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारी संपर्क भाषा हिंदी होती है किसी को असुविधा होती है तो वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता उस भाषा में अनुवाद करके उस भाषा का विषय में पूरा बताता है भाषण के बारे में लेकिन कोई एक भी कार्यकर्ता यह नहीं कहता कि आपको संपर्क भाषा में नहीं बोलना है ये आनंद की बात है हमारे लिए भी और देश के लिए भी आज का जो यहाँ पर 19, 20, 21 जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें भी भाषा की एकात्मता भारत के संविधान ने जिन भारतीय भाषाओं को मान्यता दी है उसके जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने उस भाषा के मर्म को समझा है उस भाषा की एकात्मता को जाना है और अपने साहित्य सृजन के माध्यम से पूरे देश को बड़ा संदेश दिया है चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे भारत की गृहिणी हो भारत की महिलाएं हो, उन सबके लिए अपने साहित्य के माध्यम से एक बड़ा संदेश दिया है तो ऐसे 18 विद्वत साहित्यकारों को हम 20 तारीख को सम्मानित करने वाले हैं जिसमें संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य मोहन भागवत जी रहेंगे उनके द्वारा हम ऐसे साहित्यकारों को सम्मानित करेंगे और इन साहित्यकारों का संबंध साहित्य परिषद से नहीं है इस समाज में काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं इसलिए साहित्य परिषद ने इनको चुना कि हम आपको आदर देते हैं भविष्य में आप इसी काम को और ज़्यादा तरीके से करेंगे ये उद्देश्य था कि जो आप साहित्य सृजन का काम कर रहे हैं समाज को प्रेरणा देने के लिए तो जब हम आपका आदर करेंगे तो आप और तीव्र गति से अपने साहित्य का निर्माण करेंगे इसी में हमने तीन दिन देश के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं ऐसे हमने 300 कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध लिस्टिट करके कि किनको वैसे तो बड़ी संख्या है हमारे कार्यकर्ताओं के पूरे देश में भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जिसमें साहित्य परिषद का काम न हो लेकिन उन पूरे प्रांतों में से हमने चुने हुए कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया है 300 कार्यकर्ता रहेंगे तीन दिन उनकी भी बैठकें चलेंगी और वो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे तो जो भविष्य में हमें विस्तार करना है उनको भी लगेगा कि हमें साहित्य का सृजन कैसे करना है हमें साहित्य समाज में पहुंचाना कैसे है उनको भी लगेगा कि अगर हम ये सम्मानित हो रहे हैं तो हम भी साहित्य का सृजन ऐसे करें कि भविष्य में हम भी सम्मानित होंगे सर, सर कहा जाता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी हम चेंज ला सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटरेचर फेस्टिवल में जाते हैं कहीं पुस्तकें पढ़ते हैं लेकिन अखिल भारतीय जो साहित्य परिषद है वो क्यों सामने आया संगठन ऐसा खड़ा हुआ भारत में कुछ बदलाव लाने के लिए कोशिश की क्या क्या, -क्या पॉजिटिविटी लाए और लोगों के अंदर क्या क्या पॉजिटिव अभी भावनाएं हैं संगठन को लेकर और साहित्य को लेकर कैसे भावनाएं हुई हैं सिर्फ ओडिशा में नहीं है हर एक स्टेट में यदि देखा जाए तो कैसा भावना हुआ है अभी हमने शुरुआत में आपसे कहा कि जो भारत की ज्ञान परंपरा है उसको लेकर के साहित्य ने अपने स्थापना काल से ही काम को प्रारंभ किया देश के स्वतंत्र होने के बाद 15 अगस्त 1947 उस समय तात्कालिक जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके कारण भारत में जो औपनिवेशिक बात था हमें घर से लेकर के हम बहुत छोटी बात बताते हैं बहुत गंभीर बात नहीं करते हैं कि जैसे हिंदी में कविता चलती थी अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल कविता हट गई कोर्स से और आया क्या जॉनी जॉनी यस पापा यदि आपन को हम वीडियो टी भल लगला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमे भी बोलंत